अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स एडोब एलिस्ट्रेटर उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलिस्ट्रेटर के आज के इस लेसन के अंदर हम लोग होम स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन के बारे में देखेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम अपने पास डियर स्टूडेंट्स एडोब एलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे, जो आपके सामने एनवायरनमेंट आएगी उसको इस लेसन के अंदर हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास एडोब एलिस्ट्रेटर ओपन कर देता हूं। जैसे ही आप स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपने पास एलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे, एडोब एलिस्ट्रेटर 2019 को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके पास सेम टू सेम समथिंग लाइक दिस इस तरह का व्यू आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके इंटरफेस के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में कंफर्म होना चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया जाता है उसको बिल्कुल बेसिक्स से ऊपर लेके जाया जाता है, यानी कि उसकी हम लोग एक एक चीज को स्टडी करते करते आगे की तरफ निकल कर जाते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम देखते हैं हमारे पास वेलकम विंडो या होम स्क्रीन हमारे पास क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, जब अपने पास आप फर्स्ट टाइम एडोब एलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे, आपके पास समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरह की विंडो निकल कर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर आपके पास रिसेंट फाइल्स नहीं होंगी। ये रिसेंट फाइल उस वक्त तक नहीं होती जब तक अपने पास आप किसी फाइल को सेव नहीं कर देंगे। जब आप सेव करेंगे तो देन आपको बिल्कुल स्टार्ट न्यू फाइल फास्ट के बिल्कुल नीचे आपको रिसेंट फाइल एरिया भी दिखाई देगा। तो राइट नाउ हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमारे पास यहां पर दिखाई दे रही है वो हमारे पास हमारा मेन्यू दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। अब इस मेन्यू के अंदर हमेशा की तरह आपके पास आपकी बेसिक कमांड्स होती हैं। लाइक अगर आप फाइल के अंदर चले जाते हैं, आपके पास न्यू की ऑप्शन है, ओपन की ऑप्शन है और कुछ वो वाली ऑप्शन जो अभी यहां पर डिसेबल है जो कि आगे जाकर एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से इसके साथ आपके पास एक होम का बटन बना हुआ है, ये आपके पास होम का बटन है, ये कैसे काम करता है इसको भी हम देखेंगे। उसके साथ आपके पास AI यानी कि एडोब एलिस्ट्रेटर का आपको आइकन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इसके एंड में देखें आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का बटन है। डेफिनेटली आप इसका अच्छी तरह से यूज जानते हैं। और इसके साथ आप देखें यहां पर आपको एक सर्च की ऑप्शन दिखाई दे रही है। अब स्टूडेंट्स, ये जो सर्च की ऑप्शन है इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो जो आपने फाइल यहां पर सेव की आप उसको नेम देकर आप उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि लेट्स से हमारे पास यहां पर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, लेसन। अगर यहां पे मैं चला जाता हूं तो देखिए आपके पास कोई भी यहां पर आपको फाइल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जैसे मैं इसका नाम यहां पर डाल दूंगा, जैसे मैंने इसका नाम यहां पर डाल दिया और मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास फाइल को निकालकर एलिस्ट्रेटर सामने लेकर आ जाएगा। तो ये आपको बता देगा कि ये फाइल आपके पास कहां पर पड़ी है। अब जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको एक्सेस कर जाएंगे। अगेन अगर आप यहां पर एग्जिट कर देते हैं तो आपको ये बैक वापस पीछे की तरफ लेकर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें नीचे की तरफ आपके पास यहां पर क्या है, वेलकम टू एलिस्ट्रेटर। डेफिनेटली आपके पास वेलकम विंडो है और इसमें आपके पास क्या है, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। यहां पर एक वर्ड क्या है, फास्ट। इसका मतलब क्या है, एलिस्ट्रेटर के अंदर आप इनमें से किसी भी फाइल को जस्ट एक क्लिक करें और उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली एलिस्ट्रेटर आपको मुख्तलिफ किस्म की फाइल प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप A4 या समथिंग लाइक दिस इस तरह का पेपर आप चूज कर सकते हैं। आपको कोई पोस्टर कार्ड वगैरह बनाना है, आपको कोई लार्ज वेब बनानी है, आपको कोई आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए कोई आपको अगर डिजाइन बनाना है, या आपको कोई वीडियो वगैरह क्रिएट करनी है, या आपको कोई कस्टम साइज चाहिए, तो यहां पर आपके पास ये कुछ प्रीमेड आपके पास कुछ साइजेस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहां पे नीचे चले जाएं तो आपके पास एक और आपको यहां पर एक रीसेंट का एरिया आपको नजर आएगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास सॉर्ट बाय क्या है, लास्ट ओपन, यानी कि जो सबसे आखिर में ओपन हुआ है, ठीक है, उसको आपके पास इधर लेकर आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बाय साइज आप इसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है, बाय काइंड आप इसको देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने पास फाइल्स को डेफिनेटली चेंज भी, यानी कि इनकी जो सॉर्टिंग नंबर है, इनकी जो सॉर्टिंग है उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इधर आ जाएंगे, आपके पास एक ड्रॉप डाउन आएगा, यहां पर भी आपके पास बाय साइज, बाय काइंड, बाय लास्ट ओपन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखें आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं यहां से, ठीक है। और इसी तरह से अगेन यहां पर भी आपके पास, जैसे यहां पर सर्च का पैनल मौजूद था, बिल्कुल यहां पे आपके पास फिल्टर रिसेंट फाइल भी है। लेट्स से कि अगर आप कहते हैं आपको लेसन नंबर, लेसन की फाइल चाहिए, जैसे आप लेसन एंटर करेंगे तो यहां पर
जितनी भी लेसन के नाम की फाइल होंगी, चाहे वो लेसन 1, 2, 3, 4, सो ऑन कंटिन्यू, जितनी भी फाइल होंगी वो आपके सामने निकलकर यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ आपके पास यहाँ पर थंबनेल है, आप इसको थंबनेल रख सकते हैं, जिसमें क्या होता है आपको पता चल जाता है आपको किस फाइल के अंदर रहकर काम करना है, यानी किस तरह की फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं। और लिस्ट मेन्यू, ऐसे आप क्लिक करेंगे जस्ट आपके पास लिस्ट होगी, जिसके अंदर आपके पास लास्ट ओपन कब हुआ था, इसका साइज क्या था, और काइंड यानी किस फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, एलिस्ट्रेटर के अंदर है, पीएनजी के अंदर है, एंड सो ऑन। ठीक है, किस फाइल की, यानी कि आपने फाइल यहां पर किस फॉर्मेट की फाइल को ओपन किया है, तो ये आपको यहां पर फॉर्मेट एरिया बता देता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो मुझको जो चीज पसंद है वो क्या है, बाय थंबनेल, तो मैं इसको हमेशा थंबनेल ही रखता हूं। एनी हाउ, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे चले जाते हैं, आपके पास यहां पर क्या आता है, ओपन। ओपन से क्या बनाता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर ले जाएगा, आप अपने पास जाकर अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करते हैं। इस तरह से वेलकम स्क्रीन के अंदर एक और चीज है यहां पर, वो क्या है, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू से क्या बनाता है, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिटेल से बॉक्स आ जाएगा, जिसको हम आइंदा लेसन के अंदर देखेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने पास फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर कुछ बेसिक्स थी जो मैंने आपको इस लेसन के अंदर बताने थे। अगेन आपके पास यहाँ पर होम का बटन आ जाता है, आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन ये होम के बटन के ऊपर आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास बिल्कुल आपकी बेसिक्स बेसिक्स है जो मैंने आपको बताना चाहिए इस लेसन के अंदर। मेरी कोशिश ये थी कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों को आगे लेकर चलूं। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जब आप एडोब एलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, सबसे पहले जो वेलकम विंडो आती है उसमें क्या क्या चीजें हैं। आइंदा लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से देखेंगे, आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप निकलते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मजीद मालूम और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। डी स्टूडेंट्स, अगर आपको एलिस्ट्रेटर की कंप्लीट डीवीडी की क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कॉल करेंगे 0343-901-777-9 पे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।